के आओ जरा आप, फिर 20 मिनट कैन यू सी दैट वो अंदर है या नहीं है, बिकॉज दिखा मेरी हिल 18 पाउंड का ये है, देन दिस बाहर निकाल दिया है रेंज वालों ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्लान डमी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू प्लान अमीट। और अभी हम आ गए अपने घर पे वापस। ऑब्वियसली कल आपने देखा ही, कल एज इन लास्ट जो व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम गए थे सुशांत के और भावना के घर पर। दैट वाज वेरी गुड टाइम, मतलब वी हैड अ वेरी अमेजिंग टाइम। बहुत टाइम से यू नो इट वाज पेंडिंग कि कहीं ऐसे जाएँ जहाँ चिल करें। पूरा ओवर नाइट वी डिडंट स्लीप। आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, आई विल ट्राई टू स्पीक लिटिल लाउडर। ओके, अभी शांत हो गई। सो बहुत मज़ा आया उनके घर पे जाके। सुबह 4:30-5 बजे हम सोए, बिकॉज आई हैड टू कम बैक, मुझे जल्दी आना था वापस। तो हम उठ गए और जल्दी आए। मतलब कल का दिन वो सो टायरिंग आई कांट टेल यू। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप थी, हेडेक हो रहा है, नींद आ रही है। सेम शिवा का भी वही हाल था, बट सम हाउ वी मैनेज। और आज तो पूरी हम रात को सो गए थे अराउंड 10 o'clock की जल्दी उठेंगे, बट एज इन शिवा का ऑफिस जाना था और मुझे भी काम पे जाना था, इसलिए अभी पूरी हो गई है नींद। मैं अभी आया हूँ गाड़ी वॉश कराने के लिए, विच वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 1 week। मुझे लगा आप लोगों को दिखा भी दूँ हाउ दे डू द स्टफ। लाइक हमारे वहाँ तो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो रोज होता था गाड़ी, तो मुझे आदत है गाड़ी साफ रखने की, बट अभी यहाँ पर तो रोज रोज करवा नहीं सकते हैं। एक तो एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। ये देखो, तो लाइक ये है मैनुअल कार वॉश। इसमें देखो, डूइंग इट गुड, मतलब प्रॉपर। अगर आप हफ्ते 10 दिन में एक बार ही गाड़ी ऐसी साफ करवाओ तो गाड़ी चमक जाएगी। सो दैट्स हाउ दे डू इट। और दे चार्ज सामने लिखा हुआ है, स्मॉल कार का 5 pound, मीडियम का 6, लार्ज का 7। सो दिस विल कम अंडर आई थिंक मीडियम। लेट्स सी हाउ मच गोना चार्ज मी लेटर ऑन। तो लाइक ये पहले वॉश करते हैं जैसे अभी ये कर रहे हैं, और फिर वहाँ पर वो उसको ड्राई कर रहे हैं। तो मेरे लिए मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग माय लाइसेंस। तो मैंने एक्चुअली लाइसेंस अप्लाई किया था यहाँ पर, और लाइसेंस अप्लाई करने के बाद मैंने वो जो ऑनलाइन अप्लाई किया था उनका एक डॉक्यूमेंट घर पर आता है जो ऑलरेडी प्री पोस्ट कंडीशन में आता है, जिसमें आपको फिल करना है और आपको डिटेल डाल के भेज देना है। सो वो आया, थोड़ा यू नो थोड़ा पड़ा हुआ है घर पे, ध्यान नहीं दे रहे, उठा लेंगे कर लेंगे। एक दिन मैं करने बैठा तो सैम मुझसे वो पेपर खींचने लग गई, तो मैंने वो उठा के छुपा दिया। मतलब मैं करने लगा, भरने लगा था, छुपा दिया। देन उसके बाद पता नहीं लगा वो कहाँ गया, ढूंढे जा रहे हैं। लास्ट अभी सैंडिपिया इंडिया गए तो सैंडिपिया की गाड़ी में पड़ा था। सैंडिपिया ने बोला मेरी गाड़ी में ले जा। मैं जैसे ही वो लेकर आया एंड आई चेक, दैट वॉज द लास्ट डे टू सबमिट दैट। एंड उसके बाद 4 दिन का छुट्टी आ गई, एंड देन वो तो मेरा सबमिट ही नहीं हुआ। तो बट उन्होंने लिखा है कि दे विल रिफंड बैक द मनी जो भी मैंने पे किया था। अगर वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पैसे आ गए वापस। दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, मैंने अभी सेम वही चीज़ अप्लाई की है, बट अभी मैंने ऑफलाइन जाके जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से फॉर्म लिया है। अगर आप पोस्ट ऑफिस से फॉर्म लेते हो तो आपको फिल करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब मर्जी सबमिट कर सकते हो और दे डोंट चार्ज एनीथिंग ऑन दैट। बट अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो दे चार्ज 35 pound। मे बी वो 35 pound लेटर मुझे अभी पे करने होंगे जब मैं ऑफलाइन वाला सबमिट करूंगा, बिकॉज ये ऑनलाइन था तो ऑटोमेटिकली उन्होंने सारी पोस्टेज एवरीथिंग करके दिया था, इसीलिए दे मस्ट हैव चार्ज 35 pound। अभी आई डोंट नो कि वो 35 मुझे रिवर्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इट वॉज रिटन देयर कि अगर आपका फॉर्म हमें नहीं मिलेगा तो आफ्टर 40 days वी विल रिफंड बैक द मनी। सो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, बट मेरा बताने का मकसद ये था, बोलने का मकसद ये था कि यू कैन डू दैट। अगर आपको लाइसेंस करना है तो दोनों तरीके से हो सकता है यहाँ पर, एक है ऑफलाइन एक है ऑनलाइन। तो आई होप ऑफलाइन वाले में भी देर चार्ज द सेम अमाउंट, बट या यू कैन डू दैट बोथ वेज। बट एज सुन एज यू कम हेयर डू इट, बिकॉज मैं सुन रहा हूँ कि बहुत लेट की डेट मिल रही है, 8 months लेट, 6 months लेट, क्योंकि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस वैलिड होता है ओनली फॉर 1 year। तो 1 year के बाद आपको यहाँ का लाइसेंस चाहिए अगर आपको ड्राइव करना है तो। और ड्राइव कार यहाँ पर लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो भाई चमक गई गाड़ी,
यार एक्चुअली इन्होंने ऐसा लग रहा है गाड़ी चेंज कर दी मेरी, लुकिंग सो बैड नाउ सी, वेरी गुड। पूरा दिन निकल गया मेरा और मैं अभी आया हूँ ट्रेन स्टेशन पे शिबा को लेने के लिए, तो मुझे लगा मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। शिबा आई थिंक आ गई है ट्रेन, जेब को लगी वहाँ से यहाँ तक आने में, एज इन अपने स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में उतनी देरी मुझे लगी घर से यहाँ पर आने में। और अगर यही मैं शिबा को लेने अगर जाता हूँ तो मुझे यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट लग जाते हैं। एंड हियर इज शी, द ब्यूटीफुल शिबा अगरदावर। वो देखो, ये इसने आई थिंक देख लिया है, बहुत ही ज्यादा सन है इस शाम के, बज रहे हैं कितने बज गए हैं ये देखो लॉक है। ओके, वेलकम बैक टू प्लैनेट अमित। ये देखो, ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे बंद नहीं हो शिवो। जितनी देर आपको वहां से ट्रेन से यहाँ तक आने में लगा ना, उतनी देर मुझे यहाँ लगी है। एज यू टोल्ड मी, नो आई एम टेलिंग यू, नॉट घूम के भी, कम ऑन, कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ। चल के आओ जरा, आप फिर 20 मिनट कैन यू सी दैट, मतलब कभी भी पति की वैल्यू नहीं होती, कुछ भी कर लो मैं, मतलब मैं क्या, दुनिया में किसी पति की वैल्यू नहीं होती, चाहे कुछ भी कर ले। और तुम्हें बड़ी वैल्यू होती है? हाँ, मैं तो बहुत वैल्यू करता हूँ, अगर नहीं करता हूँ तो बता दो। सीधा दो रहा है मेरा। ओके, चलो अभी चलते हैं हम घर, मैं चाय बनाता हूँ अच्छी। देखा, मैंने बोला ना वैल्यू, मैंने बोला कि आप बनाना चाय, मैंने बोला मैं बनाता हूँ चाय, वन मेक चाय। सो गाइस, शाम हो गई है, शिबा को तो मैं पिक करके आ गया हूँ। मैंने ना एक व्लॉग में शुरू में बोला था कि ये पूरी एकदम ऐसे खाली खाली एरिया लग रहा था, अभी देखो इस बात को सिर्फ महीना ही हुआ है और इनका यहाँ समर शुरू हो गया था। कैन यू सी दैट, अगर आपने पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो उसके अंदर ये बिल्कुल कंगाल था। एंड सामने देखो, लुक सो ब्यूटीफुल, मतलब सो ब्यूटीफुल, यहाँ की जो ग्रोथ है ना बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। वो देखो सारे के सारे ग्रीन, और ये एकदम ना बंजर जमीन जैसे वाला हाल था। So guys, देख लिया ना अभी शिवा का जब सिर दर्द हो रहा था और उसको चाय पीनी थी, और उसके बाद देखो हम यहाँ आ गए, मतलब ये चलता है। तो 9 बजे तक खुला है, इतना ब्राइट सन था, मतलब इतना था, मैंने कहा चलो निकल जाते हैं बाहर, कुछ सामान खरीदना था, एक घंटा है तो इसलिए सोचा चलो आके जल्दी जल्दी कुछ बाय करते हैं, फिर एक घंटा यूटिलाइज कर ही लेंगे होपफुली। अभी मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये रेंज, हमें जहाँ रेंज में जाना है वो अंदर है या नहीं है, बिकॉज दिखा मेरी हिल रहा है और वैसे 3 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, तो आई थॉट ऑफ चेकिंग इनसाइड एंड देन विल सी। समथिंग लाइक दैट फर्स्ट। सो देखो, गलत जगह चले गए थे, अभी आए हैं मेन पॉइंट Q2, यहाँ बैठा हुआ है। ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रही है क्या? Yeah, so oh my goodness, it's very restore. Oh God, Shiva, this is very good. That's what I was thinking. Oh, very nice, yaar. Can you see this? Let's take this one. Yeah. What do you say? Yeah. Looks very good to me. I want this. Oh my God. Ah, we'll take that. Guys, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है to check stuff. Let's check the stuff and we'll come back again. ये बहुत अच्छा लग रहा है, even I'm liking this. बहुत कुछ है यार यहाँ तो, यार पहले क्यों नहीं आया मैं यहाँ पर। चलो, we'll come back later on also. अभी आधे घंटे में let's finish fast जो चाहिए वो नहीं मिला। एक्चुअली हम सोफा कम बेड ढूंढ रहे थे और मुझे रेंज में यहाँ दिखाई दिया था ऑनलाइन, तो मुझे लगा हम जाके जल्दी देख के आते हैं, बट नो चांस। बट बहुत अच्छी कलेक्शन है, I'll just show you थोड़ा बहुत, बहुत बड़ा है। हम पहली बार आए इधर में आएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ आधा घंटा है और आधे घंटे में तो शिबा ऑलरेडी चली भी गई है। एंड सी, दिस इज वेरी बिग स्टोर। वी गोना कम बैक अगेन एंड देन वी गोना लुक अराउंड। अभी देखेंगे आधे घंटे में शिबा क्या कैच करती है और क्या हमें बाय करना पड़ेगा उस आधे घंटे के अंदर। बट यू गाइस कैन कम हियर एंड सी द कलेक्शन, वेरी गुड एंड आई एम लाइकिंग इट। आई शुड ऑल्सो focus here and maybe I'll also figure out something for my room. I'm gonna show you some of the price of these.
ये देखो इस 18 पाउंड का ये है, देन दिस इज 29, फिर 8, और ये सिंगल है लैम्प्स, ऑब्वियसली इसमें लाइट इंक्लूड नहीं है. दिस इज़ फॉर 8 पाउंड, दिस इज़ फॉर 13.99, दिस इज़ 6.99, दैट इज़ 7.99. ये भी है झूमर काइंड 7.99 का, विच इज़ नाइस, नॉट बैड. दिस इज़ ऑल्सो नाइस फ्लैंको. शी ये देखो दिस वन, सो ये बहुत अच्छी वैरायटी. जस्ट चेक दैट वाइट वाला. नो ओके कैन यू, आपने सुन ही लिया होगा. हाँ तो मैं, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है. हाँ ये अच्छा है, आई लाइक दिस वन. बोल रही ना बल्ब में दूसरे वाला चाहिए यार, तो बल्ब भी ले लो. ठीक है बल्ब भी चेंज कर लेते हैं. ये देखो दिस इज, सी दिस the round one. Yeah, the round one and the one behind that. हाँ हाँ. वो guys, that is very nice. मतलब लगा वो अच्छा तो लगा. और ये देखो जल्दी करा. ये मैं सोच रही हूँ for side lamp. Okay. बट यू नो साइड लैम्प, मुझे ना बार बार साइड लैम्प सोच के ताशा की याद आती है. नो नो ताशा यदि पैर मारेगी तो सब. क्या बना के रखा हुआ है? नहीं नहीं कुछ बना के नहीं रखा हुआ. ताशा जिनको नहीं पता हमारी क्यूट सी बेबी है, जो भी हमारे साथ नहीं है हम उसको रोज बहुत मिस करते हैं. एवरी डे शीबा तो मतलब एवरी टाइम व्हेनेवर शी सीज एनीवन. अभी हमने बाहर एक छोटा सा पेट देखा था, डॉग देखा था, उसको भी देख के शिवा को लग रहा था यार ये भी ताशा की तरह ही है, कितना क्यूट है, मच्छर रहा है, ये हो रहा है वो रहा है. वी आर मिसिंग यू ताशा, यू कांट, मतलब आपको कैसे पता लग गया कि हम आपको मिस कर रहे हैं. चलो आई विल शो यू अराउंड एंड देन वी विल लीव. अभी 10 मिनट. आई लाइक दिस वन, आई सी. सी अनाउंसमेंट हो गई है कि जाओ बेटा अभी घर जाओ, बहुत देर होगी तुम्हें यहाँ पर आए हुए. सो गाइस रात के बज गए 9:30, इन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया है रेंज वालों ने, और बोला घर जाओ भैया, क्या तुम बाहर ही घूमते रहते हो. कल बाय द वे रोंगटे खड़े हुए हैं. हाँ बाय द वे जो लेने आए थे वो तो मिला नहीं, जो था सोफा का बेड उसकी जगह ले लिए. ये अभी घर जाके आपको लाइट करके अगले ब्लॉग में दिखाएंगे. इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, नहीं लगा तो प्लीज़ अच्छा लगा लो, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी मैं बनाए जा रहा हूँ ब्लॉग. एटलीस्ट थोड़ी तो कदर करो, इस बात की कदर करो कि बंदा व्लॉग बना रहा है, जैसे मर्जी टाइम निकाल के बना रहा है, थोड़ी कदर करना सीखो. मैं इतनी कदर कर रहा हूँ व्लॉग की, आप लोग भी करो. अब जस्ट किडिंग यार, इतने ज़्यादा बोले जा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्यों फोर्स कर रहा हूँ. मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को. यू कैन लाइक अस, यू कैन डिसलाइक अस, बट यू कांट इग्नोर मी, दिस इज व्हाट आई नो. वेल बाय द वे डायलॉगबाजी बहुत हुई, अभी चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन रब रखा, टेक केयर, अच्छे रहो अपने घरों में. और मैंने सुना इंडिया में केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, प्लीज़ 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 थोड़ा ध्यान रखो. शिपा तो यहाँ भी बोलती रहती ध्यान रखो, बट आप लोग जो लोग इंडिया में हैं स्पेशली उनके लिए आप अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से रहें, हेल्दी रहें. एंड प्लीज़ ये कोरोना को जा रहा था इसको भेज दो अभी, बस और नहीं. ठीक है फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. Your eyes light up the room, feel the sunny days caress our skin when we begin. Bus. Sufficient. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes around us. Look, that's your job. Look. Have you ever seen his account? क्या करें इसका, एक सेकंड नहीं लगाती. इधर देखो